अपने पूर्वजों के प्रति समर्पित 16 दिन का श्राद्ध पक्ष शनिवार 10 सितंबर से प्रारंभ हो गया। शास्त्रों के अनुसार अपना और अपनी संतान के कल्याण के लिए श्राद्ध पक्ष के दौरान श्रद्धा भाव से पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कर्म और तर्पण अवश्य करनी चाहिए। सनातन धर्म में पितृ पक्ष का महीना पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए जाना जाता है, जिसमें पितरों को याद किया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होने वाले पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध और पिंडदान करने से परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है, साथ ही परिवार की सभी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। हिंदू शास्त्रों पुराणों और संहिताओं में बताया गया है कि जब तक पितृ ऋण से नहीं मिलती है तब तक ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होते हैं। वहीं यूपी के बरेली शहर में मुख्यतः 4 शमशान स्थल, सिटी शमशान भूमि, कैंट शमशान भूमि, गुलाबबाड़ी शमशान भूमि और संजय नगर शमशान भूमि है। यहाँ बीते करीब 2-3 वर्ष से अपनों की अस्थियां लेने कोई नहीं आया, इसकी वजह से इन शमशान घाटों में अस्थियों के कलश की भरमार है। कोरोना काल से पहले साल भर में नाम मात्र की अस्थियां ऐसी होती थीं जो लोग लेने नहीं आते थे, वह भी अधिकतर ऐसे शवों की होती थीं जिनकी पहचान नहीं हो पाती थी, लेकिन कोरोना काल से इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। शमशान घाट के सेवादारों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि बहुत से अस्थि कलश शमशान घाटों में इकट्ठा हो गए हैं जिन्हें कोई लेने नहीं आया। कोरोना काल के बाद से इसमें बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि वर्ष में एक बार में ही अस्थियों को हरिद्वार भेजवा दिया जाता है, बावजूद इसके अस्थि कलशों की संख्या अब भी ज़्यादा है। जहां पितृपक्ष में लोग अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए हवन पूजन पाठ आदि करते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मौत के बाद अपनों को ही भूल बैठे हैं। यही वजह है कि शमशान घाटों में इन अस्थि कलशों की कोई सुध लेने वाला नहीं। नियमानुसार दाह संस्कार के तीसरे दिन स्वजन फूल यानी अस्थियां लेने शमशान में आते हैं, लेकिन 3 वर्ष का समय हो चुका है और शमशानों में अपनों का इंतजार कर रही पोटलियों में रखी अस्थियां अब तक प्रवाहित नहीं हुई हैं और मोक्ष यात्रा की राह ताक रही हैं। पुराने भी हैं, नए भी हैं, मट्टी वाती रहती है, तो इसको कोई लेने नहीं आता? लेने भी आते हैं, कुछ बहुत पुरानी पड़ी है जिनका पता नहीं कोई है, कोई एक अंदाज हमको तो देखने पता चले कि काफ़ी पुरानी रखी हैं। काफ़ी पुरानी रखी हुई हैं, कितनी होंगी लगभग? जो नीचे रखी हैं होंगी मतलब 7-8 10 होंगी। नहीं, वहाँ तो ज़्यादा तो पड़ी थी, मुगले में वो नहीं है, वो तो ले जाएंगे, कोई कनाकत नहीं, कोई कभी तो ले जाता रहता है, ले जाते हैं, कुछ छोड़ नहीं भी लेके जाते हैं जो पड़े हैं। तो इनके कोई व्यवस्था की है आप लोगों ने किसी तरह की? व्यवस्था देखो, अभी पितृपक्ष आएंगे तो करेगा कोई, जब पिछले साल नहीं हुआ था, इससे पहले हुआ था। अभी कोई संस्था ने या किसी संस्था ने आपको आके कहा नहीं कि हम ले जाएंगे? अभी हमसे हमें इसके बारे में कोई पता नहीं, या किस कमेटी ने, शमशान की कमेटी ने? कमेटी ने भी अभी हमें इसके बारे में कोई पता नहीं। हमारे यहाँ कई 150 के करीब अस्थियाँ हैं, जो हमारे यहाँ राजेंद्र सिंह हैं, हमारे जो संस्था चलाते हैं वहाँ, समझे, जो वो उनके साथ हमारे लोग जाते हैं, सब में लग कराते हैं। इसमें परिवार कोई सहयोग नहीं देते? कोई परिवार से कुछ परिवार वाले सहयोग देते तो खुद ले जाते हैं, पड़ी क्यों नहीं परिवार वाले ने कि भूल जाते हैं यहाँ पे। कुछ लोग जो हैं अपने परिजन की जो अस्थियाँ यहाँ टांग हैं लेने तो आए ना, अभी करीब करीब 1 साल से इधर किए हैं सर, तो कोशिश जाए पितृपक्ष चल रहा है अपनी ले जाए विसर्जन करने, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें आपकी कोई कमेटी सहयोग करती है? हाँ, अगर ये लोग नहीं आएंगे लेने तो हम लोग भेजते नहीं। कहाँ? हरिद्वार भेजते हैं। हरिद्वार भेजी है। अब तक कितने मतलब भेज चुके हैं और कितनी अभी पड़ी होंगी लगभग? अभी पिछले महीने में 2 कट्टे भेजी थी और इस साल की तो हैं काफ़ी। लगभग एक अंदाज लगभग कम से कम 250 तो होंगे। 250 करीब।